सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज की हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय क्या है ये मैं एक गीत के द्वारा बताऊंगी। सुनिए जरा। कल हुआ था आज है और कल होगा अभी, समय का जो चक्र बताता काल उसे कहते सभी। समझे बच्चों? समय का जो चक्र बताता काल उसे कहते सभी, अर्थात आज हम काल के विषय में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। काल, चलिए अब हम जानते हैं काल की परिभाषा। काल का सामान्य अर्थ है समय। समय के द्वारा ही हमें ज्ञात होता है कि क्रिया हो रही है या हो चुकी थी या अभी होगी। ठीक है बच्चों? तो ये तीनों अलग अलग समय में होने वाली क्रियाएं हैं। अब अलग अलग समय में होने वाली क्रियाएं ही काल कहलाती हैं बच्चों। चलिए अब हम काल के भेद को जान लेते हैं। तो काल के भेद तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला है भूतकाल, ठीक है, और दूसरा है वर्तमान काल, और तीसरा है भविष्यत काल। बच्चों, ये तीनों काल अलग अलग समय में होने वाली क्रियाओं के आधार पर होते हैं। भूतकाल अगर किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी होता है तो भूतकाल, और वर्तमान काल यदि किसी वाक्य के अंत में है, हैं आता है तो वो वर्तमान काल, और भविष्यत काल यदि किसी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आता है तो वो भविष्यत काल। चलिए बच्चों, अब हम एक एक काल को उदाहरण के द्वारा चित्रों के माध्यम से जानेंगे बच्चों। भूतकाल बीता हुआ समय, ठीक है। अब इस चित्र को देखते हैं, क्या बातें हो रही हैं। ये बालक अपनी बहन से कह रहा है, सविता तुम क्या कर रही थी? तो सविता ने क्या जवाब दिया? मैं कहानी लिख रही थी। देखा बच्चों आपने, अंत में आया थी। और एक उदाहरण देखते हैं बच्चों। इस चित्र में ये क्या बातें कर रही हैं दोनों सहेलियां? तुम तैयार होकर कहां गई थी? तो उसकी सहेली ने कहा, मैं बाजार गई थी। देखा बच्चों, इस उदाहरण में भी वाक्य के अंत में थी आया। तो हमने जाना भूतकाल में वाक्य के अंत में था या थे या थी आता है तो वो भूतकाल के वाक्य होते हैं। चलिए बच्चों, अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला भेद है हमारा वर्तमान काल, अर्थात काम हो रहा है या चल रहा है। ठीक है बच्चों, अब इस चित्र में देखिए जरा। रोहन क्या कर रहे हो? एक मित्र अपने घर की दीवार के उस तरफ से बोल रहा है अपने मित्र से, रोहन क्या कर रहे हो? तो रोहन ने क्या कहा? राघव मैं गेंद खेल रहा हूँ। देखा बच्चों, हूँ, हैं, हो, ये सब वर्तमान काल में है क्योंकि काम हो रहा है अभी। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए बच्चों। इसमें वर्तमान काल काम हो रहा है या चल रहा है, इस चित्र में जरा देखते हैं। मीता तुम क्या कर रही हो? तो मीता ने जवाब दिया, मैं टीवी देख रही हूँ। देखा बच्चों,
यहाँ पर इन दोनों उदाहरणों में जो बात इस समय हो रही है या आज के ही दिन में हो रही है वे ही सब वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। चलिए बच्चों, अब तीसरे प्रकार का भविष्यत काल की ओर चलते हैं और देखते हैं भविष्यत काल को। भविष्यत काल अर्थात आने वाला समय। अब आने वाले समय के लिए उदाहरण देखिए जरा। पिताजी अपने बच्चे से कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अर्थात पूछ रहे हैं, क्या बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे? तो बच्चे ने कहा, क्या कहा बच्चे ने? पापा मैं बड़ा होकर सैनिक बनूंगा। देखा कितने उत्तम विचार हैं। आपके पापा भी या घर के बड़े पूछते होंगे ना आपसे बच्चों। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। भविष्यत काल आने वाला समय। अब एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, माँ मैं मेहनत करूंगा और कक्षा में प्रथम आऊंगा। तो माँ ने कहा, शाबाश बेटा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे उदाहरण हैं। बच्चों इन उदाहरणों के माध्यम से आपने अच्छी तरह से जान लिया होगा कि काल किसे कहते हैं और काल के भेद कितने होते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो के आधार पर आपकी पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्यों को आप स्वविवेक से अर्थात अपनी समझ के अनुसार कर सकते हैं और शंका होने पर अपनी शिक्षिका से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में अगले विषय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।